नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। ऊर्जा ग्लोबल के लिए आज दो दो खुशी है। पहला तो रिजल्ट आया है, वो भी अच्छा पॉजिटिव में आया है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। और दूसरा है राइट इशू, इसके लिए राइट इशू के लिए भी अप्रूव मिल चुका है। तो पहले हम बात करते हैं राइट इशू के लिए। राइट इशू के लिए इसे 25 करोड़ का अप्रूव मिल चुका है, मतलब 25 करोड़ रुपये फंड जुटा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। राइट इशू वो प्रोसीजर होता है, अगर आपको किसी बिजनेस के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ता है तो आप कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है तो आप राइट इशू के थ्रू मार्केट से पैसे उठा सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस में लगा के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले कुछ समय से ऊर्जा ग्लोबल को कैश की दिक्कत आ रही थी, मतलब कैश फ्लो के लिए उसे दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने राइट इशू के लिए अप्रूव किया था। जो ड्राफ्ट किया था वो भी अप्रूव हो चुका है और इसका साइज है 25 करोड़ का, ये राइट इशू लाने वाली है। अब ऊर्जा ग्लोबल की रिजल्ट की बात करते हैं, उससे पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप 161 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस 3 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 90 पैसे था और इसका 52 वीक हाई 5 रुपये 14 पैसे का। इसका बुक वैल्यू 3 रुपये 42 पैसे का है और इसका स्टॉक पी 78 का है। और इसका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल में 2% से इसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है। अब इसके रिजल्ट में आते हैं तो पहले सेल्स की बात करते हैं। इसका सेल्स में थोड़ा गिरावट आया है मार्च के तुलना करें तो, क्योंकि अभी कोरोना के कारण बहुत से शटडाउन थे, मतलब लॉकडाउन के कारण इसके सेल्स में थोड़ा कम हुआ है। मार्च में 30 करोड़ का सेल्स था, वहीं इस जून क्वार्टर में 21 करोड़ का सेल्स है। उसी कारण इसके एक्सपेंस में भी थोड़ा गिरावट आया है। पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ का एक्सपेंस था, इसमें 20 करोड़ का एक्सपेंस है। मगर एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है कि जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें ये पॉजिटिव है, मतलब प्लस में आ गए हैं। पिछले क्वार्टर में इन्हें 0.-0.5 का लॉस था, जो इस क्वार्टर में इसे 22,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने शानदार रिजल्ट दिया है, मतलब ऊर्जा ग्लोबल ने अनएक्सपेक्टेड चीज करके दिखाया है। पिछले क्वार्टर में इन्हें 39 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 44 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ है। ये इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी कोरोना के कारण बहुत से में लॉकडाउन था तो इनका बिजनेस नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी इन्होंने सोलर में एक ऐसा चीज करके दिखाया जिसके कारण इन्हें 44 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है इस कंपनी के आगे के लिए। हम इसके टारगेट के बारे में भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। पिछले 5 साल की बात करें तो हम यहाँ पे 3.5% का सेल्स ग्रोथ है। यही 3 साल की बात करें तो यहाँ लगभग 2% का सेल्स ग्रोथ है। और पिछले साल की भी बात करें तो यहाँ लगभग 2.25% का सेल्स ग्रोथ है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 31% प्रमोटर्स के पास है, FII के पास लगभग 1% है, बाकी पूरा पब्लिक के पास लगभग 67% शेयर। इस कंपनी की पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले इसकी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है, मतलब इस कंपनी में डेप्ट ना के बराबर है। और इसके जो प्रोडक्ट है जैसे कि सोलर, ई रिक्शा, बैटरीज, ये सब फ्यूचर प्रोडक्ट है, मतलब आने वाले समय में इसी की डिमांड रहने वाला है। ये इसमें बहुत एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, इनको ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है इन्होंने लगातार छोटे छोटे कम और छोटे छोटे प्रॉफिट में इन्होंने क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा रिजल्ट भी देना शुरू कर दिया है। अगर इसकी नेगेटिविटी की बात करें तो ये छोटा स्टॉक है, मतलब ये पेन स्टॉक है। इसके प्रमोटर होल्डिंग भी कम है, मतलब लगभग 31% इनके प्रमोटर का होल्डिंग है। और जो इनका पिछले 2-3 साल से इक्विटी और रिटर्न की बात करें तो वो बहुत ही कम है, मतलब रिटर्न इनके में बहुत ही कम मिल रहा है। यह कंपनी आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित होगा। यह पेनी स्टॉक है लेकिन आने वाले समय में आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है, मतलब यह मल्टीबैगर साबित होगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, पूरे से सोलर से रिलेटेड है और आने वाले समय में सोलर ही सबसाइड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसमें आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और इसे आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें, हमारे चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।